हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप DSLR कैमरा को PC पर वेबकैम की तरह बिना कैप्चर कार्ड के यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपको DSLR, USB केबल, माइक, ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी और डमी बैटरी का यूज़ करके आप ज़्यादा समय तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको DSLR में मेनू में जाके ऑटो पावर सेविंग टाइमर को ऑफ कर देना है ताकि लाइव व्यू बीच में बंद ना हो। चलिए अब कैमरा को ट्राइपॉड पर लगा लेते हैं। मैं आपको सलाह देता हूँ कि बेस क्वालिटी के लिए आप कैप्चर कार्ड और HDMI केबल का इस्तेमाल करें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब USB केबल को DSLR और PC से कनेक्ट कर लीजिए। पहला सॉफ्टवेयर आपको sparkosoft.com वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप विंडोज़, PC और निकॉन कैनन कैमरा के लिए है। अब मैं DSLR कैमरा को ऑन कर लेता हूँ। PC पर प्रोग्राम स्टार्ट करने पर DSLR कैमरा में लाइव व्यू बंद हो जाएगा, इसलिए आप कनेक्ट करने से पहले ही कैमरा सेटिंग्स ठीक कर लीजिए। इस ऐप के जरिए आप लाइव व्यू देख सकते हैं, DSLR सेटिंग बदल सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा माइक इस ट्रिक में काम नहीं करता, तो आपको PC पर दूसरा USB माइक लगा लेना है। आप देख सकते हैं विंडोज़ कैमरा ऐप ने इस वेबकैम को डिटेक्ट कर लिया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप स्काइप में भी DSLR को वीडियो कॉलिंग के लिए उपयोग में ला सकते हैं। OBS में वेबकैम को यूज करने के लिए न्यू सोर्स फिर वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करें, फिर HD रिजोल्यूशन को सिलेक्ट करके ओके दबाएं। ओल्ड की को प्रेस करके वीडियो क्रॉप करें, फिर आप स्ट्रीमिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर है कैनन EOS यूटिलिटी। इसको आप विंडोज और मैक दोनों में यूज कर सकते हैं। तीसरा सॉफ्टवेयर है विंडोज के लिए DigiCam कंट्रोल। ये कैनन, निकॉन, सोनी कैमरास के साथ चला सकते हैं। ऐप ओपन करने पर लाइव व्यू पर क्लिक करें। इस ऐप के जरिए आप DSLR सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यह ऐप यूज करके आपका PC ओवरलोड हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।